हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलोएरीन के अर्थात क्लोरोबेंजीन के उपयोग के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे कि फ्रेओन क्या होते हैं और इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है, इनका हम दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं, और वीडियो के अंत में पढ़ेंगे कि डीडीटी के क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, अर्थात डीडीटी का जो पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है, जो मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि आज का जो वीडियो लेक्चर है, इस टॉपिक से हर साल दो नंबर का एक सवाल बनता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेओन क्या होते हैं उसके उपयोग बताइए, डीडीटी क्या होता है उसके उपयोग बताइए। तो दो नंबर का क्वेश्चन आज के इस वीडियो से पक्का बनने वाला है, तो अच्छा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। स्टूडेंट, पहले हमने लिखा है क्लोरोबेंजीन के उपयोग। क्लोरोबेंजीन के उपयोग, क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा, मैं इससे पिछले वीडियो लेक्चर में सब कुछ आपको समझा चुका हूँ। क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, आज पढ़ रहे हम इसके उपयोगों के बारे में। तो पहला उपयोग है इसका कीटनाशक पदार्थ डीडीटी के बनाने में। कीटनाशक पदार्थ डीडीटी के बनाने में, डीडीटी क्या होता है मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा उनसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि डीडीटी के बारे में जरूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है स्टैंड, अर्थात बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, दूसरा उपयोग स्टैंड है इसका एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनोल एनिलीन आदि के निर्माण में। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो लेक्चर में, जब हम क्लोरोबेंजीन के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने फिनोल भी बनाया था और एनिलीन भी बनाई थी। तो दूसरा उपयोग क्या है क्लोरोबेंजीन का, एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनोल एनिलीन आदि बनाने में। ठीक है स्टैंड, अच्छा तीसरा उपयोग क्या है इसका डाइएजो रंजकों के निर्माण में। डाइएजो रंजक क्या होते हैं बेटा, जब किसी कपड़े पर कलर करना होता है, क्या होता है बेटा कलर करना होता है, तो उसे कलर को जमाने के लिए अर्थात यानी वो आसानी से ना धुल सके, ठीक है स्टैंड, तो उसको बोलते हैं बेटा डाइएजो रंजक। तो ये किसी सहायता से बनाए जाते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन की सहायता से बनाए जाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का तीसरा उपयोग है डाइएजो रंजकों का निर्माण करने में स्टैंड। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले लिख दिया है कि यह है फ्रेओन। आपसे पूछा गया एग्जाम में फ्रेओन क्या होते हैं, फ्रेओन क्या होते हैं, तो आप बताओगे एल्केनों के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। एल्केनों के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बेटा, फ्रेओन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्रेओन। देखिए एल्केनों के क्लोरो फ्लोरो, एल्केनों के क्लोरो फ्लोरो, ठीक है, व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बेटा, फ्रेओन कहलाते हैं। उदाहरण भी पूछेगा CF2Cl2, यानी इसका जो नाम है फ्रेओन 12 है। क्या है फ्रेओन 12 है, देखिए संरचना देखें, एक कार्बन है और कार्बन पर कितने फ्लोरीन, कितने दो फ्लोरीन है। मान लीजिए एक फ्लोरीन बेटा ये है और एक फ्लोरीन बेटा आपका ये है। ठीक है, क्लोरीन कितने, दो क्लोरीन है, एक Cl ये है और एक Cl बेटा ये है। तो ये जो संरचना है बेटा ये है। अब देखिए इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कौन होते हैं बेटा, एल्केनों में होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एल्केनों में, इसलिए इसको कहा गया है एल्केनों के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बेटा, फ्रेओन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि फ्रेओन बारे का सूत्र बताइए, तो फ्रेओन बारे का सूत्र क्या होता है, फ्रेओन होता है CF2Cl2, जिसकी संरचना मैंने ये बना दी है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण आपसे पूछा है CFCl3, फ्रेओन ग्यारह क्या होता है इसके अंदर, CFCl3, इसमें एफ एक होता है, तो एफ एक होता है, एक हटा देंगे यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, ये Cl हो जाएगा, तो ये फ्रेओन 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रेओन 11। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन में आओगे CF2Cl2 फ्रेओन 12, यानी हेलन परमाणु, सॉरी फ्लोरिन भी दो होते हैं और क्लोरिन भी दो होते हैं, तो वो क्या है आपका 12 रहेगा। ठीक है, जबकि CFCl3 ठीक है क्या है कि फ्रेओन 11 है, इसके अंदर Cl3 कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, जबकि एफ इसके अंदर एक होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका उपयोग पूछेगा, इसका फ्रेओन का जो उपयोग है रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है बेटा, रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर क्या होता है बेटा, फ्रिज। अब वातानुकूलन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा घरों में एसी लगी होती है, क्या होती है बेटा, एसी लगी होती है, यानी ठंडक उत्पन्न करने में। फ्रिज में भी आप देखो जब गर्मी का समय होता है, ठीक है, तो आप लाइट आते हैं, बस उसको हीटिंग लगाते हैं जब उसको, तो क्या कूलिंग बनाना शुरू कर देता है। तो यानी जब कूलिंग बन रही होती है या एसी से ठंडक पैदा हो रही होती है, तो वह किसका यूज हो रहा था बेटा, फ्रेओन का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा, फ्रेओन का यूज होता है। क्या रखें, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है, फ्रिज तथा वातानुकूलन मतलब एसी में प्रशीतक के रूप में ठंडक पैदा करने में स्टैंड। ठीक है, अच्छा इस पर पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फ्रेओन क्या होते हैं, इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए इनका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, इन्हें ओजोन
परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, जब सूर्य से जब किरणें आती हैं बेटा, तो उसमें बहुत भयंकर भयंकर किरणें होती हैं। अगर वो सीधी किरणें मनुष्य की बॉडी पर आकर के पड़ जाएं, तो बहुत ही संगीन बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो ओजोन परत क्या करती है बेटा कि सूर्य से आने वाली जो जितनी भी हानिकारक किरणें होती हैं उनको अपने अंदर क्या कर लेती है बेटा, अवशोषित कर लेती है। और जब अवशोषित कर लेती है तो जो नॉर्मल किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, यानी जो मानव है या जीव जंतु वगैरह है, जानवर है, उनके ऊपर इतना कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती। लेकिन फिरौन क्या कर रहे हैं, फिरौन उस परत को तोड़ रहे हैं, फिरौन ओजोन परत को तोड़ रहे हैं, ठीक है। यानी ओजोन परत हमारे लिए क्या है, एक सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अर्थात घातक किरणों को रोकती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। लेकिन फिरौन उसको तोड़ रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फिरौन ओजोन परत के लिए कितने नुकसानदायक, ओजोन परत को तोड़ रहे हैं और वो उनसे टूट रही है। तो जब वो टूटेगी बेटा, तो अब ओजोन परत जब टूट जाएगी तो सूर्य की किरणें आएंगी जो घातक किरणें हैं, तो हमारी बॉडी पर आकर पड़ेंगी, हमारे जानवरों पर आकर पड़ेंगी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे इस टाइम, ठीक है। तो याद रखें इसका ओजोन परत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। यानी ये ओजोन परत को तोड़ने का काम कर रहा है, और जब ओजोन परत टूटेगी तो बेटा सारा जो पृथ्वी का जंजीर ये अस्त व्यस्त हो जाएगा। आयु क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो याद रखें कि इनका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें ओजोन परत को नष्ट करने के लिए क्या माना जा रहा बेटा, उत्तरदायी माना जा रहा था कि ओजोन परत को तोड़ रहे हैं, जबकि ओजोन परत का हमारे लिए बहुत ही बने रहना बहुत ही उपयोगी है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इसका अगला, अब देखिए अगला टॉपिक अपना DDT क्या है बेटा, DDT क्या होता है, मैंने इसे पिछले वीडियो लेक्चर में बना दिया है। इसका वीडियो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा वो मेरा वीडियो पहला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि DDT और फिरौन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और हर साल दोनों नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे DDT के उपयोग। तो DDT का प्रबल उपयोग क्या है, प्रबल कीटनाशक के रूप में, यानी ये कीटों को मारने के काम आता है। जब हमारे फसलें होती हैं, गन्ने की फसल है, धान की फसल है, ठीक है, जब उसमें कोई कीड़ा लग जाता है स्टूडेंट, ठीक है, तो जब दवाई का छिड़काव किया जाता है तो किट का प्रयोग किया जाता है, उसमें DDT का यूज किया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा उपयोग क्या है इसका, मच्छरों को मारने तथा मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होता है। यानी ये मच्छर, अभी मैंने जो बताया कि कीटनाशक है तो मच्छर भी एक कीट है, तो मच्छरों को मारने के लिए और मलेरिया की जो दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनती है, उनको भी रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके कभी कभी ये पूछ जाता है कि DDT के अपघटन से, DDT के अपघटन के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो उससे बनता है बेटा DDE। यानी कहने का मतलब ये है, जब DDT का अपघटन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है DDE, इसका नाम है डाइक्लोरोडाइफेनिल डाइक्लोरोएथीन। याद समझें, DDT और DDT में क्या अंतर है, DDT के अपघटन होने से DDE का निर्माण होता है, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो और एथीन। ये किसके अपघटन से बनता है बेटा, इसके अपघटन से बनता है, और इसका भी पर्यावरण पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है, अब क्वेश्चन में आ रहा, इसलिए इस DDT के इतने घातक परिणाम है, इसलिए भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया बेटा, प्रतिबंधित कर दिया है। क्या कर दिया बेटा, प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है, जब ये मिट्टी पड़ जाता है तो बेटा कम से कम एक महीने तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है। अब हमारे जीव जंतु है, अगर जैसे चारा चगने जाते हैं, ठीक है, जब चारा चुगेंगे तो बेटा वो हो सकता है कि उनके मुंह में चला जाए, तो इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये एक से लगभग एक महीने तक अगर हम पृथ्वी पर डाल दें तो ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब ये अपघटित होना शुरू होता है, यानी जब ये नष्ट होता है, तो नष्ट होने पर क्या बनाता है कि DDE का निर्माण कर देता है, और जो ये भी बहुत ज़्यादा घातक है स्टैंड, ठीक है। तो इसलिए इसके ऐसे दुष्परिणामों को देखते हुए भारत सरकार ने इस पर क्या लगा दिया बेटा, बैन लगा दिया है, ठीक है। तो याद रखें फिरौन और DDT परीक्षा के दृष्टि से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर तैयार करके जाएं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टैंड, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।